हेलो फ्रेंड्स, हंसवाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों का दोस्त वरुण भाई। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा रेडमी फ़ोन में iPhone 13s थीम को आप कैसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में iPhone 13s थीम को आप सेट करना चाहते हैं अपने रेडमी फ़ोन में, तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आप लोगों को iPhone 13s थीम को सेट करने बताऊँगा। तो चले तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ एक घंटी के बटन है उसको नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे हर अपडेट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, iPhone 13s थीम को सेट करने से पहले मैं आप लोगों को iPhone 13s थीम के बारे में बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस थीम को दिखाता हूं। देखिए, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, iPhone 13s थीम यही वाला है और इस तरह से आपको लुक आपको देखने को मिलेंगे और लॉक स्क्रीन का इंटरफेस इस तरह का आपको देखने को मिलेंगे और होम स्क्रीन का इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हैं, देखिए, और रिसेंट टास्क का आपको इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे और कंट्रोल पैनल आपको इस तरह से आपको इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हैं, देखिए, और यहाँ पर आपको कॉल डायलर इस तरह से आपको इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे और आपका मैसेज वाला ऐप इस तरह से आपको इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे और न्यू वाला मैसेज आप क्रिएट करोगे तो इस तरह से आपको इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो इस थीम को आप अपने एंड्रॉइड फोन में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने एंड्रॉइड फोन के ऑफिशियल थीम स्टोर ऐप पर आपको चले जाना है। तो मैं ऑफिशियल थीम स्टोर ऐप पर चले जाता हूँ। देखिए, तो मैं थीम्स पे क्लिक कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं, मैं थीम्स पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आपको देखने के लिए नीचे में पांच ऑप्शन, तो आपको प्रोफाइल पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं प्रोफाइल पे क्लिक कर लेता हूँ। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ऊपर में आपको देखने को मिला थीम्स, तो थीम्स पर आपको क्लिक कर लेना है। थीम्स पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एंड्रॉइड फोन में तीन थीम्स अवेलेबल है। तो बीच वाला iPhone 13s वाला थीम है। तो मैं iPhone 13s थीम को मैं आप लोगों को अपने फ़ोन में सेट करने बताऊंगा। तो iPhone 13s थीम वाले पे मैं क्लिक कर लेता हूं और देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं इस थीम के बारे में तो पहले ही बता चुका हूं, तो मैं इस थीम को अप्लाई करने बता रहा हूं। तो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को अप्लाई, तो अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। अगर फ्रेंड्स ये थीम आपका एंड्रॉइड फोन में अवेलेबल ना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो के माध्यम से अपने एंड्रॉइड फोन में आप iPhone 13s थीम को आप सेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अप्लाई पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और इस थीम को हमारे एंड्रॉइड फोन में सेट कर लेता हूं। तो मैं अप्लाई पे क्लिक कर लेता हूं। तो अप्लाई पे क्लिक करने का, तो यहां पे आपको देखने को अप्लाइंग हो रहा है। तो देखिए, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये थीम हमारे एंड्रॉइड फोन में अप्लाई हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों को इस थीम को यूज करके दिखा रहा हूं। तो देखिए, मैं यहां से भी बैक कर लेता हूं। इस थीम को अपने एंड्रॉइड फोन में अप्लाई करने को, तो अपने फोन को एक बार आपको रीस्टार्ट आपको कर लेना है। रीस्टार्ट करने से फ्रेंड्स, आपका एंड्रॉइड फोन में ये थीम प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये थीम आपका एंड्रॉइड फोन में सेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को ऐप का आइकन पूरी तरह से यहाँ पे चेंज हो चुके हैं iPhone 13s के जैसे ही आपको देखने को मिले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इसकी लॉक स्क्रीन की बात करें तो लॉक स्क्रीन भी आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों को लॉक स्क्रीन को भी दिखाता हूं। देखिए, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, लॉक स्क्रीन तो बिल्कुल उसी की जैसा आपको देखने को मिला, iPhone 13s की जैसा ही आपको देखने को मिले, देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे कंट्रोल पैनल की बात करते हैं, यहाँ पे आपको तो देख सकते हैं कंट्रोल पैनल इस तरह से आपको इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे और इस तरह से आप स्वाइप करते हैं तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से आपको देखने को मिले। तो मैं यहाँ पर अनलॉक कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने अनलॉक कर चुका हूं। और दोस्तों, अगर आप इसकी सेटिंग्स की बात करें तो सेटिंग्स में आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे, पहले से आपको चेंज ही आपको देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप इसकी कॉल डायलर की बात करें तो कॉल डायलर भी पूरी तरह से पहले से चेंज हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आईफोन की तरह ही आपको देखने को मिल रहा है कॉल डायलर भी। तो बैक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने एंड्रॉइड फोन में iPhone 13s थीम को आप सेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आज का वीडियो में इतना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ एक घंटी के बटन है उसको नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे हर अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो चले, तब मिलता है अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।